बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब की बीमारी के बारे में सब जानते हैं कि दिलीप साहब को किन बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। दिलीप साहब की बीमारी की बात हो रही है तो हम नहीं भूल सकते हैं कि वाकई में दिलीप साहब को अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है बीमारी की वजह से, जिससे वो अब भी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। बीते साल न्यूमोनिया की वजह से वो काफ़ी वीक हुए, इम्यून सिस्टम उनकी काफ़ी वीक हो गई, जिसके बाद वो अब तक लोगों से दूरी बना रहे हैं। उनकी पत्नी सायरा ही हैं जो उनके खान पान का ख्याल रखती हैं। तो क्या आपको पता है कि एक समय बीमार दिलीप साहब ऐसी बुरी स्थिति में थे कि उन्हें हॉस्पिटल में फूड पाइप के सहारे दवाइयां और खान पान कराया जा रहा था। जी हाँ, खाने की भी स्थिति में नहीं थे दिलीप साहब, इतने कमज़ोर पड़ गए थे। उसके बाद से ही दिलीप साहब अब भी पूरी तरह से अपने ज़िंदगी के हर समय के लिए, हर वक्त के लिए जो है ख़ास तौर पर पूरी तरह से अपनी पत्नी सायरा बानो पर डिपेंडेंट है, जिनकी तारीफ़ करने से वो बिल्कुल भी नहीं रुकते। वैसे दिलीप साहब के लिए प्यार सायरा बानो का कम नहीं हुआ। बीते साल पाकिस्तान में पेशावर में अपने हवेली को लेकर काफ़ी भावुक हो गई थी दिलीप साहब की पत्नी सायरा बानो, और इस साल एक बार फिर से दिलीप साहब की सेहत को लेकर सायरा बानो ने बताया कि अभी वो ठीक है। लेकिन दोनों ही भाइयों को बीते साल दिलीप साहब ने खो दिया था, जिसके कारण वो काफ़ी तकलीफ में रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।